الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तरन्नुम से पढ़ने वाले कलाम इकबाल पढ़ने वाले रऊफ साहब मौजूद हैं, इकबालियात के प्रेमी हैं, वो जो है आपको महसूस फरमाएंगे। तशरीफ लाएंगे। ये इकबाल की एक गजल आपकी पेश खिदमत। और भी हैं सितारों से आगे जहां, और भी हैं सितारों से आगे जहां, और भी हैं सितारों से आगे जहां, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे। तेही जिंदगी है, तेही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, तेही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, सितारों से आगे। क़िनाअत न कर आलमे रंग भूप, खिनात न कर आलमे रंग भूप, चमन और भी आशियां और भी है, चमन और भी आशियां और भी है, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामाते आहो फुहां और भी है, मकामाते आहो फुगां और भी है, सितारों से।
से आगे तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदान और भी हैं, यहाँ अब मेरे राज। आपको अगला बुलेटिन मिल चुका होगा जो पीले रंग में है और इसका नंबर जो है 458 है। अगर किसी को बुलेटिन न मिला हो तो ले लें। हैं आपके जाने पहचाने मुखर्रिर जनाब सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब, जो इकबालियात के स्कॉलर हैं और इकबालियात पे उनका काफ़ी काम है। दूसरे ये कि आज की नशिस्त, जैसे कि मैंने कहा 400, आज की नशिस्त हमारी 692वीं नशिस्त है, यानी आज से आठवीं नशिस्त हमारी 700वीं एक माइलस्टोन होगा, संगमील होगा। आज की नशिस्त ये मुनक़िद हो रही है 12 दिसंबर 2012 27 मुहर्रम 1434 बरोज़ चारशंबा बाद असर बमकाम जामे मस्जिद कॉन्फ्रेंस हॉल जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में। और इस नशिस्त का आगाज़ खुशिलहान खारी इरफान हाफिज इरफान अहमद साहब की खिरास से हुआ और खादिम महफिल गुलाम यज़दानी आपसे मुखातिब है। ये इस बात की मुझे चंदा ज़रूरत नहीं, क्योंकि वक्त कम होता है, कि गालिब और इकबाल के बारे में कुछ कहूँ। सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि इंग्लिश में कहते हैं टवरिंग पर्सनैलिटीज़, यानी मीनार के जैसी शख्सियतें। ये उर्दू शायरी में, और शायरी में ही नहीं बल्कि दीनी मालूमात के सिलसिले में, कुरान हदीस और तारीख इस्लाम वगैरह से मुतालिक इनके अशार ज़रबुल मसल बन गए हैं। और यही नहीं कि खाली अहले उर्दू इसको जगह जगह कोट करते हैं, बल्कि इनका सहारा यानी बिला तख्सीस से मादरी ज़बान दीगर हजरात भी इस्तेमाल करते हैं, हत्ता के जो उर्दू नहीं जानते वो लोग भी जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, मुरारजी भाई को प्राइम मिनिस्टर के हिस्से से गुजरात में मौका मिला था मुखातिबत का, तो वो रिकवर कोट कर सक रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा एक शेर यानी लाखों का मजमा जैसे होता है प्राइम मिनिस्टर के, उसमें कहा क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं जहाँ से, और टूटे फूटे अल्फाज में अल्लामा इकबाल को कोट किया होगा। तो अब ऐसे बेशतर हैं, पार्लियामेंट में है, असम्बली में है, हर जगह हैं जहाँ पे कोट किए जाते हैं। और चुनाचे गालिब का भी यही हाल है, गालिब को भी इतना ही असातिज़ा में बड़ा मुकाम हासिल है। तो मैं आज आपका बग़ैर ज़्यादा वक्त लिए आज के मुखर्रिर जनाब सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने खिताबत से नवाजें। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। आज के इस उन्वान के इंतखाब की दो वजूह हैं। पहली वजह तो यह है कि मैं ये चाहता था कि कोई थोड़ा सा नया उन्वान हो, बजाय इसके कि हम हमेशा एक जैसे उन्वानात पर बोलते रहें, वो एक वजह थी। और दूसरी वजह यह है कि आज से चंद साल पहले हमारी इस महफिल इकबाल शिनासी में एक साहब को
दावत दी गई थी तकरीर के लिए, जो माशाल्लाह काफ़ी काबिल आदमी थे, बाद में उनका इंतकाल भी हो गया। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि वो दीवाने गालिब को जला देना चाहिए और सिर्फ कलाम इकबाल को बाकी रखना चाहिए। तो ये बात कुछ इतनी अजीब थी कि सब लोगों ने महसूस किया, बल्कि यज़दानी साहब ने उसके दूसरे दिन मुझसे कहा कि भाई आइंदा से इनको जहमत देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरी तजवीज़ पर आए थे, ये कोई 6-7 साल पुरानी बात है। तो बात दरअसल ये है कि वो बहुत ही उनके अंदर इस्लामी जोश था, और चूँकि गालिब एक ऐसा शायर था जो नहायत अजीम शायर होने के अलावा बहुत यानी मैकश आदमी थे और बहुत ज़्यादा पीने वालों में से थे, चुनांचे उनका कहना यह है कि मैसे गरज नशात है किस रूह सियाह को, एक गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। तो जहाँ इकबाल खुदी के शायर हैं, गालिब एक लिहाज से बेखुदी का शायर था, तो इस वजह से उन्होंने गालिब के कलाम को पसंद नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि गालिब का भी बहुत बड़ा मकाम है, और जैसे किसी को अजीम शायर कहा जा सकता है तो वो गालिब है और इकबाल। तो उस लिहाज से भी मैंने ये सुनमान को तलाश किया, क्योंकि ख़ुद इकबाल के बारे में कहा जाता है कि जहाँ उन्होंने फ़ारसी शायरी में हाफिज़ और उर्फी से इस्तेफादा किया है, उनके कलाम से मुतासिर हुए हैं, और उनके कलाम में इन बड़े शायरों की झलकियाँ मिलती हैं, उसी तरह इकबाल गालिब से भी बहुत मुतासिर थे, चुनाचे उनके उर्दू कलाम पर गालिब के इस्तेफादे का असर हमको मिलता है। अब रही गालिब की बात, तो किसी आर्टिस्ट या किसी शायर का जब हम तज़िया करने बैठते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम अच्छी सिफात का हामिल हो, हमको उसके फ़न की तरफ तवज्जो देना चाहिए। जहाँ तक गालिब की शख्सी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, वो शराब भी पीते थे, और ज़ाहिर है कि वो बादशाहों के कसीदे भी लिखते थे, बल्कि एक दफ़े तो वो जुआ खेलते हुए गिरफ्तार भी हुए थे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उनकी प्राइवेट बातें हैं, लेकिन बहैसियत शायर गालिब बहुत ही अजीम शायर है, और उसके जो ख्यालात हैं वो नहायत आला पाए थे, और तसव्वुफ़ में भी ज़ाहिर है कि उनको दखल था। चुनांचे गालिब का एक शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। तो अपने बारे में उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि वो क्या है, लेकिन जो तसव्वुफ़ वाले अशार हैं वो भी गैर मामूली हैं। जैसे गालिब का एक क़िता है कि है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए, सर पाए खुम पे चाहिए हंगामे मैकशी, रूह सुए क़िबला वक्त मुनाजात चाहिए, याने बहस्बे गर्दिशे पैमाने सिफात, याने बहस्बे गर्दिशे पैमाने सिफात, आरिफ हमेशा मस्ते मए ज़ात चाहिए। तो गया अल्लाह से उनको भी लौ थी, और इकबाल ने एतराफ़ किया है कि गालिब बहुत बड़ा शायर था, और ज़ाहिर है कि गालिब को इत्तला भी नहीं थी कि इकबाल पैदा होने वाले हैं, क्योंकि गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ और इकबाल की पैदाइश 1870s के पीरियड में हुई है। तो इस तरह, लेकिन इकबाल के दिल में गालिब के लिए बहुत बड़ी जगह थी, और उन्होंने खुलकर जगह जगह गालिब को खिराज अकीदत पेश किया है। और
इकबाल के बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1912 में एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा हुआ था जिसके मुहर्रिक थे सज्जाद हैदर यलदरम, ये मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार खातून कुर्रतुल ऐन हैदर, जिनका चंद साल पहले इंतकाल हुआ, सज्जाद हैदर यलदरम उनके वालिद थे। तो उन्होंने इकबाल को भी उसमें मधु किया था और अल्लामा शिबली नुमानी उस जलसे की सदारत कर रहे थे। तो सज्जाद हैदर यलदरम ने शिबली नुमानी से दरख्वास्त की कि वो इकबाल की गुलपोशी करें, यानी उनको एजाज के तौर पे। तो शिबली ने उनकी गुलपोशी करने के बाद कहा, हालांकि वो इकबाल की शायरी का एक लिहाज से इब्तदाई ज़माना था 1912, शिबली की नज़र इतनी गहरी थी कि उन्होंने कहा कि ये इकबाल इतने अच्छे शायर हैं और उनमें और बड़ा बनने की ऐसी सलाहियतें हैं कि मैं समझता हूँ कि आइंदा ज़माने में लोग इकबाल का नाम गालिब के साथ लेंगे। तो वह उस वक्त ही जो पेशिंगोई अल्लामा शिबली नुमानी ने की थी वो आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुई और लोगों ने जो अदीम शोरा के नाम लेते हैं उनमें गालिब के बाद इकबाल का नाम लिया जाता है। चुनाचे इकबाल के बहुत ही करीबी दोस्त थे सर शेख अब्दुल कादर, बैरिस्टर एट लॉ, जो मुदीर मखजन थे, यानी मखजन हमारे डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए। तो इकबाल के बड़े करीबी दोस्त भी थे वो और बहुत अच्छा अदबी ज़ौक रखते थे और उनका रिसाला जो मखजन था उसमें इकबाल बिलानागा लिखते थे और इकबाल का कलाम मखजन में छपता था और इकबाल उनको इतनी अहमियत देते थे कि एक नज़्म भी उनकी है अब्दुल कादर के नाम, और बांग दरा का जो दिबाचा है प्रिफेस वो शेख अब्दुल कादर ही का लिखा हुआ, सर शेख अब्दुल कादर। इकबाल के इंतकाल के बाद करीब 1950 में उनका इंतकाल हुआ, तो उस दिबाचे का कि दो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं जो इब्तदाई पैराग्राफ हैं, मैं इस वक्त ये पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये अल्फाज सर शेख अब्दुल कादर के हैं। तो वो लिखते हैं कि किसे खबर थी कि गालिब मरहूम के बाद हिंदुस्तान में फिर कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो उर्दू शायरी के जिस्म में एक नई रूह फूंक देगा और जिसकी बदौलत गालिब का बेनज़ीर तखय्युल और निराला अंदाज बयान फिर वजूद में आएंगे और अदब उर्दू के फ़रोग का बायस होंगे। मगर ज़बान उर्दू की खुश इकबाली देखिए कि इस ज़माने में इकबाल सा शायर उसे नसीब हुआ जिसके कलाम का सिक्का हिंदुस्तान भर की उर्दूदान दुनिया के दिलों पर बैठा हुआ है और जिसकी शोहरत रूम और ईरान बल्कि फरंगिस्तान तक पहुंच गई है। उसके बाद अब्दुल कादर साहब लिखते हैं कि गालिब और इकबाल में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। अगर मैं तनासुख का कायल होता, तनासुख बोलते हैं ये जो फिलॉसफी ऑफ रीबर्थ है जो इस्लाम में तो नहीं है, हिंदू मत में है कि गोया वो आदमी मरने के बाद किसी और जिस्म में दाखिल होता है और फिर पैदा होता है, यहाँ तक कि जो है उसको एक हद पर आके जो है वो मोक्ष यानी नजात मिल जाती है, तो उसको आवागमन भी बोलते हैं और तनासुख भी बोलते हैं। यहाँ हमारे सरदार जी बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं कि सिख मज़हब में भी इसको माना जाता है या नहीं माना जाता, लेकिन तो लेकिन हिंदू मत में तो है कि वो रीबर, तो उसको तनासुख बोलते हैं। तो ये सर अब्दुल कादर ने लिखा है कि मैं उसका मानने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उसका कायल होता कि गालिब और इकबाल में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, अगर मैं तनासुख का कायल होता
तो ज़रूर कहता कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को उर्दू और फ़ारसी की शायरी से जो इश्क था उसने उनकी रूह को अदम में जाकर यानी दूसरी दुनिया में जाकर भी चैन न लेने दिया और मजबूर किया कि वो फिर किसी जसद खाकी में यानी इंसानी जिस्म में जलवा अफरोज होकर शायरी के चमन की आबियारी करे। और उसने पंजाब के एक गोशे में जिसे सियालकोट कहते हैं दोबारा जन्म लिया और मोहम्मद इकबाल नाम पाया। ये एक मफरूज़े के तहत है, उनका अकीदा नहीं है। अगर मैं कायल होता तो मैं ये समझता कि गोया इकबाल गालिब का दूसरा जन्म है। तो इस तरह जी री इनकारनेशन तो ये इकबाल का और गालिब का पस मंज़र है। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उर्दू शायरी में गालिब से इकबाल ने बहुत इस्तिफादा किया है, जैसा कि फ़ारसी शायरी में उन्होंने हाफिज़ नज़ीरी और उर्फी से इस्तिफादा किया है। चुनांचे 1912 के आसपास की लिखी हुई गालिब पर एक नज़्म है इकबाल की, और नज़्म ज़ाहिर है कि उतनी गैरमामूली नज़्म नहीं है जैसे इकबाल की नज़में होती थीं, लेकिन गालिब के फ़न की जो खूबियाँ हैं वो पूरी की पूरी इसमें बयान कर दी गई हैं। वो नज़्म ये है, नज़्म का उन्वान है मिर्ज़ा गालिब और ये बाग़ दरा में मौजूद है। इकबाल की नज़्म है मिर्ज़ा गालिब। फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ता कुजा, यानी ख्यालात इमेजिनेशन को अगर आप कोई बर्ड समझे कोई परिंदा समझे तो उस परिंदे की उड़ान यानी इमेजिनेशन की उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है वो इंसानी फिक्र को तेरे कलाम से मालूम हुआ। यानी गालिब के कलाम की बहुत बड़ी खूबी यह है कि नहायत मुश्किल ख्यालात उनके पास पाए जाते हैं और नहायत आला और अरफा बुलंद ख्याली भी गालिब के पास है। यानी जैसे गालिब का मशहूर शेर है जो आज भी कोट किया जाता है कि लिखते रहे जुनू की हिकायत खूँ चका हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। तो इसमें जो खूबी है कि जो आजकल के ज़माने में भी बाज़ यानी साफ़ और हक़ लोग होते हैं वो इस मरहले से गुज़रते हैं। और इसमें जो लफ्ज़ कलम आया है वो ज़ूमाना है, एक तो कलम लिखने का होता है और कलम काट देने को भी बोलते हैं। तो गया वो ऐसे हक़ लोगों को सज़ा जो मिलती है कि उनके हाथ भी काटे गए उनके गले भी काटे गए, तो गालिब ये कहते हैं कि हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। तो फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताकुजा, यानी इमेजिनेशन कितनी बुलंदी तक जा सकता है। यानी ये एक ऐसा परिंदा है जिसकी परवाज़ इंतहाई बुलंद है। था सरापा रूह तू बज़्म सुखन पैकर तेरा, ज़ेब महफिल भी रहा महफिल से पिन्हा भी रहा। चुनांचे इकबाल ये कहते हैं कि गालिब जो है एक रूह की मानिंद थे, और कैसी रूह, फ़िक्र की रूह, तखय्युल की रूह और आला ख्यालात की रूह। और जो ये शायरी थी वो उसका जिस्म था जिसके अंदर वो रूह समाई हुई थी। और ये इन्होंने कहा कि ज़ेब महफिल भी रहा महफिल से पिन्हा भी रहा, यानी तू महफिल की रौनक भी रहा और महफिल से ओझल भी रहा। इसका मतलब यह है कि रूह किसी को दिखाई नहीं देती तो लेकिन तेरी रूह को महसूस भी किया गया और तेरी रूह महफिल से ओझल भी रही। इसका दूसरा मतलब यह है कि तेरी शायरी को नहायत पसंद भी किया गया और तेरी शायरी को अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया, क्योंकि गालिब के अशार इतने मुश्किल भी हैं। चुनाचे लोग उनसे कहते थे कि आप आसान कहिए, तो गालिब का शेर है कि आसान कहने की करते हैं फरमाइश गोयम मुश्किल वगर न गोयम मुश्किल, कि जो है कहना भी मुश्किल है और न कहना भी मुश्किल है।
तो गालिब का कलाम उसके जो शारहीन हैं, जैसा कि इकबाल के शारहीन हैं यूसुफ सलीम चिश्ती और बहुत से दूसरे लोग, गालिब के कलाम के भी कई शारहीन हैं जिन्होंने उसके अशार के मतालिब बयान किए हैं, और ज़ाहिर है कि हर एक का नुक्ते नज़र जुदा है, तो उसके जो कलाम की शरहें हैं उनकी खुद कई तदा कई मैंने 8-10 तो होंगी कम से कम। तो दीद तेरी आँख को उस हुस्न की मंजूर है, बन के सोजे जिंदगी हर शय में जो मस्तूर है, यानी ऐसा लगता है कि तेरी आँख को उस हुस्न की तलाश है और उस हुस्न को देखना चाहता है जो असल में हक है, यानी चाहे आप उसको खुदा की तलाश समझिए या सच्चाई की तलाश समझिए, और वो शायरी की हरारत तेरे कलाम में है और तेरा मकसद ज़िंदगी ये मालूम होता है कि तू उस सच्चाई को तलाश करे जो हमारी ज़िंदगी का आईना है, हमारी ज़िंदगी का नूर है और उसकी हरारत है। महफिल हस्ती तेरी बरबत से है सरमायादार, जिस तरह नदी के नगमों से सुकूत कोहसार। तो महफिल हस्ती तेरी यानी जो ज़िंदगी की महफिल है, बरबत एक साज होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इकबाल ये कहते हैं कि शायरी जो तेरी है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक सिम्फनी की तरह है, और इतनी ज़्यादा है कि उसमें गोया अपने तौर पर एक सरमायादार है, यानी उसके अंदर इतना माल है, इतना ज़खीरा है कि तेरी शायरी जो है एक मूसीकी का सरमाया है, जिस तरह नदी के नगमों से सुकूत कोहसार, के जो पहाड़ों की फ़ज़ा होती है जब नदियाँ उसमें से गुजरती हैं तो जो शोर होता है न मौजों के टकराने से, जो एक तरह का एक दिलावेज कैफियत पैदा होती है, वही तेरे कलाम में है। तेरे फिरदौस से तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी किश्ते फिक्र से उगते हैं आलम सब्जावार। यानि किश्त बोलते हैं खेती को, कि तेरी जो ख्यालात हैं वो उनकी अपनी एक जन्नत है, और उसमें कुदरत की बहार हमको देखने में मिलती है, और तेरी जो फिक्र है वो एक ऐसी खेती है जिससे सारी दुनिया गोया एक सब्ज़ादार बन जाती है। ज़िंदगी मुजमर है तेरी शोखिए तहरीर में, ताबे गोयाई से जुम्बिश है लबे तस्वीर में। गालिब का मशहूर शेर है, दीवान गालिब उसी से शुरू होता है, कि नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। तो यहाँ इशारा खुदा की तरफ है कि खुदा ने किस शोखी से गोया इंसान को बनाया है, और पुर ईरान में कदीम ज़माने में लोगों को अगर बादशाह से फरियाद करना होता था तो वो बजाय कपड़े के कागज़ का लिबास पहन के जाते थे, तो बादशाह को या दूसरों को मालूम होता था कि ये आदमी फरियाद करने आ रहा है। तो अब ये गोया अल्लाह के हुजूर में लोग अपनी अपनी फरियादें लेके पहुँचते हैं, लेकिन जो अल्लाह की शोखी तहरीर है जिससे इंसान गोया पैदा हुआ है, तो इस इकबाल ये कहते हैं कि तेरी शायरी भी एक शोखी तहरीर है जिसके अंदर ज़िंदगी छुपी हुई है, और ऐसी ज़िंदगी छुपी हुई है कि तू जो तस्वीरें खींचता है अपने कलाम में उनको ताबे गोयाई बोलने की ताकत मिल जाती है, और ऐसा मालूम होता है जैसे हर तस्वीर बोल रही है और अपने दिल का हाल बयान कर रही है। नुत्क को 100 नाज हैं तेरे लबे एजाज पर। नुत्क बोलते हैं कैपेसिटी टू स्पीक, जो हमारा जो स्पीकिंग कैपेसिटी है आदमी की उसको बोलते हैं नुत्क। जैसे गालिब ही का एक शेर है कि एक मशहूर नवाब थे तजम्मुल हुसैन खां, तो उनकी तारीफ़ में गालिब ने कसीदा लिखा, तो उसमें है कि ज़बाँ पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया, यानी तजम्मुल हुसैन खां के बारे में, कि ज़बाँ पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी दबा के लिए। और
उसी की तारीफ में ये भी है कि जो है ये जो ऐशो इशरत है अल्लामियाँ सिर्फ तजम्मुल हुसैन खां के लिए बनाए थे, लेकिन कहीं उनको नज़र ना लग जाए इसलिए दुनिया को भी थोड़ा थोड़ा तकसीम किया है। वो एग्जैजरेशन है कि दिया है खल्क को भी ता उसे नज़र ना लगे, बना है ऐश तजम्मुल हुसैन खां के लिए। तो ये तो एक पोएटिक एग्जैजरेशन है। तो यहाँ नुत्ख मैं बोलना चाह रहा था कि नुत्ख बोलते हैं कैपेसिटी टू स्पीक। नुत्ख को 100 नाज हैं तेरे लबे एजाज पर, यानी आपके जो होंठ हैं वो ऐसे करिश्मा साज होंठ हैं कि जो बोलने की ताकत है इंसान की वो भी जो है नाज करती है कि मुझे ऐसे शायर के मुंह से ये आवाज़ निकलने का मौका मिल रहा है। महवे हैरत है सुरैया रिफत परवाज पर। सुरैया जो है गैलेक्सी का हाईएस्ट पॉइंट है कि औज सुरैया जिसको बोलते हैं, सितारा भी है। तो तेरी जो ख्यालात की जो बुलंदी है और तेरी परवाज जो है उस पे सुरैया भी हैरत में है। शाहिद मजमू तसद्दुक है तेरे अंदाज पर। शाहिद बोलते हैं एक तो माने हैं उसके गवाह के, और शाहिद के एक माने हैं महबूब के, यानी बिलवेट। तो शाहिद मजमू तो जो शायर हैं लोग हैं वो मजमून बांधना चाहते हैं, उसके लिए बहुत तगोदो करते हैं कि नया से नया मजमून लाएं। लेकिन गालिब के बारे में इकबाल ये कहते हैं कि मजमून को भी जो है तुझ पर फिदा है कि ताकि तेरे जहन में आए और तेरी शायरी में अदा हो। तो शाहिद मजमू तसद्दुक है यानी फिदा है तेरे अंदाज पर। खंदर दन है गुंचे दिल्ली गुले शीराज पर। शीराज ईरान का वो मशहूर मकाम है जहाँ हजरत सादी शीराजी ख्वाजा हाफिज और उर्फी जैसे शायर पैदा हुए, और जाहिर है कि इनका बहुत बड़ा मकाम है हाफिज का, सादी का, उर्फी का, नज़ीरी का। तो ये इकबाल कहते हैं कि ये तू जो है गालिब गुंचे दिल्ली है, लेकिन तू इतना बड़ा शायर है कि एक लिहाज से हाफिज सादी और उर्फी पर भी तू हंस रहा, यानी तेरा मकाम उनसे भी बुलंद है। खंदा जन है गुंचे दिल्ली गुले शीराज पर। आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन वेमर में तेरा हमनवा खाबीदा है। वेमर जो है जर्मनी का मकाम है जहाँ गोएटे की कब्र है। तो इकबाल ये कहते हैं कि दिल्ली तो बिल्कुल उजड़ गई, यहाँ से गोया सल्तनत चली गई और ग़ुलामी का ज़माना था, अभी इस उजड़ी हुई दिल्ली में तेरी कब्र है और वो भी नहायत कसम पुरसी की हालत। गालिब की जो खबर थी वो बहुत ही खस्ता और बोसीदा हालत में थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इहाते में। जब वो फिल्म मिर्दा गालिब बनी सोहराब मोदी ने बनाई तो लोगों ने उनसे कहा कि भई आप गालिब को तो कुछ रॉयल्टी दे नहीं सकते क्योंकि आप उसके कोई पसमानदगान में क्लेम करने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ये किया था कि गालिब की खबर की गया असरन और तज़ीन उस ज़माने में करवा दी थी। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप वहाँ दिल्ली जाएं और देखने का मौका हो, ज़ाहिर है कई लोग गए होंगे देखे हो, तो वहाँ पर गया एक चौखंडी सी है और ऊपर छतरी और गालिब की खबर को गया उस वक्त उन्होंने उसकी तज़ीन करवाई थी। और अब तो जो है वहाँ पर गालिब एकेडमी के नाम से एक हॉल बना हुआ है जहाँ जलसे वगैरह होते, उसकी लाइब्रेरी भी है। तो आह तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन वेमर में तेरा हमनवा खाबीदा है। तो इकबाल जो है गोएटे जो बहुत अदीम शायर है, पहले तो उन्होंने गालिब को हाफिज सादी और उर्फी वगैरह से मिलाया, फिर अब गोएटे से भी गालिब का तकाबुल करके। हमनवा का मतलब यह है कि वो तेरे बराबर का ही है, यानी गालिब को जो है गोएटे का हमनवा और उसका बराबर का बताते हैं। इस तरह गालिब के शायराना अजमत का एतराफ़ इकबाल करते हैं। लुत्फ़ गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं, हो तखय्युल का न जब तक फ़िक्र कामिल हमनशीं। हाय अब क्या हो गई
हिंदुस्तान की सरदमी, आह ए नजारा आमोजे निगाहे नुक्तबी, यानी लुत्फ़े गोयाई, जो बोलने का लुत्फ है, बोलने का मज़ा है, उसमें तेरी बराबरी कोई कर नहीं सकता। लुत्फ़े गोयाई में तेरी हमसरी मुमकिन नहीं, हो तखय्युल का न जब तक फ़िक्र कामिल हम नशीं, यानी तेरे ख्यालात और हमारी फ़िक्र जब तक बराबर न हो, उस लेवल पर ना आ जाए, तेरे कलाम को समझना मुश्किल है। और अब हिंदुस्तान की ये जो सरदमी है, ये कितनी तबाह हो गई, और ए समझदार अक्ल वालों और समझ रखने वालों, इस पे गौर करो। इसके बाद ये जो मशहूर शेर है इकबाल का, जो हर शख्स जानता है लेकिन शायद ये ना मालूम हो कि इस नज़्म का है, कि हाय अब क्या हो गई हिंदुस्तान की सरदमी, आह ए नज़ारा आमोज़े निगाह नुक्तबी, गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पिज़ीर शाना है, शमा ये सौदा ये दिल सो दिए परवाना है। यानी उर्दू के जो गेसु हैं, जो उसकी जुल्फे हैं, शाना बोलते हैं कंगी को, शाना के भी दो माने आते हैं, एक शाना बोलते हैं कंधे को और एक शाना बोलते हैं कंगी को, तो यहाँ पे कंगी, यानी उर्दू की जो जुल्फे तूने सवारी थी, वो अब ज़माने की बेराह रवी और अदम दिलचस्पी से बिखर गई हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलके गोया इसकी जुल्फों को फिर से संवारे जिस तरह तूने संवारा था, क्योंकि ये चराग ऐसा है, शम्मा ये जो चराग है उर्दू का, ये दीवाना है किसका, कि परवाने आए और उसके अतराब घूमे। उसके बाद आखिरी बंद है कि ऐ जहां आबाद ऐ गहवारे इल्म व हुनर, जहां आबाद बोलते हैं दिल्ली, दिल्ली का एक नाम जहां आबाद भी है, ऐ जहां आबाद ऐ गहवारे इल्म व हुनर, गहवारा बोलते हैं झूले को, यानी इल्म व हुनर इस दिल्ली में था, इसका झूला था, है सरापा नालाए खामोश तेरे बामोदर, यानी तेरी जो गलियां हैं, तेरे जो मकानात हैं, वो बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं, जर्रे जर्रे में तेरे खाबीदा हैं शम्सो कमर, कैसे कैसे आलिम, कैसे कैसे अदीब, कैसे कैसे शायर इस ज़मीन में मदफून हैं, जैसे मोमिन हैं, मीर हैं और जनाब ज़ौक हैं, पता नहीं कितने शायर अदीब इसमें मदफून हैं, जर्रे जर्रे में तेरे खाबीदा हैं शम्सो कमर, यूं तो पोशीदा हैं तेरी खाक में लाखों गुहर, यानी तेरी खाक में कई मोती पोशीदा छुपे हुए हैं। अब सवाल करते हैं दिल्ली से इकबाल के, दफन तुझ में कोई फ़ख्रे रोज़गार ऐसा भी है, यानी ऐसा ज़माना जिस पर फ़ख्र करे, ऐसी भी कोई हस्ती तेरी ज़मीन में मदफून है। दिल्ली से सवाल करते हैं, तुझ में पिन्हा कोई मोती आबदार ऐसा भी है, यानी सवाल है कि गालिब जैसा मोती, गालिब जैसा फ़ख्रे रोज़गार तेरी ज़मीन में कोई और मदफून नहीं है, और गालिब ही सबसे बड़ी ऐसी हस्ती है जो तेरे अंदर दफन है। ये वो इकबाल का एक खिराज अकीदत है गालिब के लिए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गालिब की उनके दिल में कितनी कदर व कीमत थी। अब एक दूसरी नज़्म है जिसमें, ये तो इकबाल की जो नज़्म है वो इब्तदाई ज़माने की थी, अब गालिब इकबाल का जो मैग्नम ओपस जिसको बोलते हैं, जो उनका कारनामा है, वो है जावीद नामा, जो बिल्कुल आखिरी ज़माने में उन्होंने लिखा, और इसमें जो मुख्तलिफ ख्यालात उनके हैं, वो एक ख्याली सफ़र है गोया पूरी कायनात का, मुख्तलिफ गोया प्लैनेट्स में इकबाल जाते हैं मौलाना रूम की रूह के साथ, तो जिसमें यह है कि जितने भी मुश्तरी वगैरह, पीटर यानी वीनस और मर्क्यूरी, मार्स, ये सब इसमें हैं, तो पहले तमहीद ज़मीनी है, उसके बाद फलक कमर जो सबसे करीब है, वहाँ पर वो किस्से मिलते हैं, आरिफ हिंदी में मशहूर भर्तृहरि से उनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद फलक उतारद, उतारद मैं समझता हूँ सैटर्न को, उतारद जुपिटर को बोलते हैं, सैयारा,
सैयारा है और फलक मिर्रीख, मिर्रीख मार्स को बोलते हैं, और ऐसा हर फलक जोहल, जोहल बोलते हैं सैटर्न को। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों से जाते हैं इकबाल, तो जो फलक मुश्तरी है वहाँ पर इकबाल की मुलाकात तीन रूहों से होती है। एक तो हल्लाज मंसूर, जिसको अनल हक कहने पर फांसी दी गई थी, और दूसरे कुरतुल ऐन है, कुरतुल ऐन ताहिरा जो ईरान की मशहूर शायरा थी, और गालिब। इन तीन हस्तियों से इकबाल की मुलाकात होती है। तो अपनी मुलाकात गोया एक तखयली मुलाकात है, उसका जिक्र गालिब से मुलाकात का जिक्र इसमें जावेद नामे में है। तो इकबाल अपने आप को यहाँ जिंदा रूद कहते हैं। जावेद नामे में इकबाल अपने आप को जिंदा रूद, रूद माने बहने वाला चश्मा या नहर। तो अब जिंदा रूद जो है गालिब से सवाल करता है, यानी इकबाल गालिब से सवाल करते हैं कि आए के दर्दे जुस्तजू तुझको मिला, एक अपने शेर के माना बता। अब यह गालिब का शेर है कि कुमरी कफ़े खाकिस्तर व बुलबुल कफ़से रंग, ए नाला नशाने जिगर सोख्ता क्या है। कुमरी बोलते हैं चकोर को, जो स्वान भी बोलते हैं, मैं समझता हूँ उसको स्वान सॉन्ग जिसको बोलते हैं, आखिरी नगमा। तो चकोर के बारे में यह है कि वो चाँद से इतनी मोहब्बत करता है कि पूरे चाँद की रात जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा चाँद के इश्क में गिरफ्तार होकर ऊंची उड़ान भरता है, और इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि उसका जो सीना है फट जाता है, और वो राख होके खुद जल भी जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। तो कुमरी कफ़े खाकिस्तर, खाकिस्तर यानी खाक, कुमरी कफ़े का खाकिस्तर व बुलबुल कफ़से रंग। बुलबुल जो है वो गुलाब पे फिदा होता है और इसी में उसकी ज़िंदगी है। तो एक गालिब का शेर है कि कुमरी कफ़े खाकिस्तर व बुलबुल कफ़से रंग, ए नाला नशाने जिगर सोख्ता क्या है। तो मैं भी एक आशिक हूँ, एक गालिब कहता है, अब ऐ मेरी आह जो मेरे सीने के अंदर जाती है, ये बता कि मेरे जिगर सोख्ता का निशान क्या है। बहुत ही उम्दा शेर है। अब इकबाल गालिब की रूह से पूछते हैं कि आपने इस शेर का मतलब बताइए। तो गालिब शेर का मतलब बताते हैं, जवाब देते हैं कि नाला जिसकी असल है सोज़ जिगर, हर जगह तासीर है उसकी दिगर, है असर से उसके कुमरी सोख्ता, यानी जो आह भरती है तो कुमरी तो जल जाती है, और बुलबुल रंग का अंदोख्ता, और बुलबुल जो है इस रंग के ज़रिए से बच जाती है। मौत है इसमें बागोश हयात, यानी आशिक की मौत जो होती है उसमें भी गोया हयात पोशीदा होती है। एक नफस है यहाँ हयात और वाम अमान, यानी एक नफस, एक सानिये की बात है जो यहाँ की ज़िंदगी है और फिर वहाँ की जो मौत है, ये एक नफस के अंदर की बात है। रंग भी ऐसा कि अरजंग तमाम, रंग भी ऐसा कि बेरंगी तमाम, तू न जाने ये मकाम रंगो बू, किस्मत हर दिल बकदरे हाओ हु। यानी ये हर एक की किस्मत है कि किसको उसकी ज़िंदगी में क्या मिलता है, या हयात मिलती है या वह इंस्टेंटेनियस मौत मिल जाती है, या सरापा रंग या बेरंग हो। गालिब कहते हैं कि या सरापा रंग या बेरंग हो, ता समझ पाए जिगर के सोच को। तो बेरंगी जो है एक खुदा की सिफत भी है कि हर रंग उसका रंग है और कोई रंग उसका रंग नहीं। तो ये बताते हैं कि तुम या तो उसी रंग में रंग जाओ या फिर बेरंग ही रहो, ताकि उसी वक्त तुम जिगर के सोच को, जिगर की जलन को समझोगे। उसके बाद फिर इकबाल सवाल करते हैं कि ये दुनिया में जो है जहां अंदर जहां नीली फ़ा, ये जो कायनात है बिल्कुल नीली फ़ा में प्लैनेट्स फैले हुए हैं, क्या हैं इसमें अलिया व अम्बिया, कि क्या इस कायनात में अलिया और अम्बिया भी हैं। तो गालिब जवाब देते हैं, है बपा
हंगामा आलम जहां रहमतुल आलमी भी है वहां। तो हुजूर की शान में गालिब कहते हैं, गालिब का शेर है कि जो इकबाल ने इसको अपने पास लिया है कि हर कुजा हंगामा आलम बुवद रहमतुल आलमीनी हम बुवद, कि जहां कहीं जिंदगी पाई जाती है, जीरूह पाए जाते हैं, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे। तो बाद लोगों को इस पे एतराज़ भी हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत सिर्फ ज़मीन पे हुई है, लेकिन गालिब का कहना यह है कि आप रहमतुल आलमीन हैं सारी कायनात की, तो इस तरह आपका फैज़ और आपका असर जो है वो हर जगह है। तो हर कुजा हंगामा आलम बुवद रहमतुल आलमीनी हम बुवद, तो है बपा हंगामा आलम जहां रहमतुल आलमी भी है वहां। तो फिर इकबाल कहते हैं कि जो है जैसे गालिब पे एतराज़ हुआ था कि आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कहीं और भी हो सकता है, कि आपका मिसल कोई हो ही नहीं सकता। तो अब गालिब जो है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, बस इतना कह के रुक जाते हैं। लेकिन फिर इकबाल सवाल करते हैं कि साफ कह है फहम मेरी नारसा, ये फारसी का तर्जुमा है। ज़रा इकबाल गालिब से कहते हैं कि साफ साफ बताइए, क्योंकि मेरी अकल जो है उतनी मेरी पहुंच नहीं है जितनी आपकी पहुंच है। तो उस पर गालिब जवाब देते हैं, ये सुखन है फाशतर कहना खता, कि मैं जो बात कह गया हूँ उसको बहुत ज़्यादा खोल के बोलना भी गलती है। तो फिर इकबाल कहते हैं कि अहले दिल की गुफ्तगू से फ़ायदा, यानी आप जैसे अहले दिल की गुफ्तगू से मेरे को फ़ायदा क्या हासिल होगा अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। तो गालिब जवाब देते हैं कि है सुखन का लब तक आना सहल क्या, ये मेरे ज़बान तक ये बात आसान नहीं है। फिर इकबाल ये कहते हैं कि तू के खुद सोदे तलब से आग है, मुझको ये इज्जे बयां है किस लिए, तुझको ये इज्जे बयां है किस लिए, यानी आप खुद जो है आपका जो सोदे तलब है आपके अंदर की हरारत है वो खुद आप आग की तरह हैं, फिर मेरे साथ आप ये जो है बोलने में रुकावट क्यों हैं। तो यहाँ पर इकबाल गालिब खाली कुरान शरीफ की एक आयत का रेफरेंस है कि फ़खलका क़द्दरा फ़हदा। तो ये गालिब ये कहते हैं कि खलको तकदीर व हिदायत इब्तदा रहमतुल आलमीनी इंतहा, यानी अल्लाह ताला जो पैदा करता है और जो तकदीर बनाता है और जो हिदायत देता है, ये तो गोया इंसान के लिए इब्तदा का दर्जा है, लेकिन उसकी इंतहा जो होती है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, तो रहमतुल आलमीनी इंतहा। तो फिर इकबाल पूछते हैं कि चेहरे माना अभी पर्दे में है, आग रखता है तो मुझको फूंक दे, यानी अगर आपके अंदर अभी भी कुछ बातें हैं तो मुझे फूंक दीजिए। तो फिर गालिब कहते हैं कि आए के तू है महरम असरार शेर, ये सुखन है जख्मा बख्शे तारे शेर। जख्मा बोलते हैं मिजराब को, सितार बजाते हुए लोग ये पहनते हैं देखिए उंगली में, वरना हाथ छलनी हो जाते, सितार के तार छेड़ने के लिए जो बांधते हैं मिजराब बोलते हैं उसको, और फारसी में जख्मा बोलते हैं। कि आए कि तू है महरम असरार शेर, तू इकबाल गालिब ये कहते हैं कि तू अशार के तमाम माने और उसकी नज़ाकतें जानता है, और मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है, जैसे सितार को छेड़ने के लिए जो मिजराब बांधते हैं, बस वो मैं दे रहा हूँ तुझको। शायर पर ये बातें शेर की बस की नहीं, शायरों की बज़्म है आरास्ता, तूने क्या चाहा है मुझसे काफिरी। और अब मैं ज़्यादा खुला अगर बोलूँ तो लोग मुझ पर कुफ्र का फतवा लगा देंगे, और जो शायरी से अलग बात है। इस पर कह के गोया गालिब अपनी बात ख़त्म करते हैं। तो इकबाल ने जावेद नामे में भी जो गालिब का जिक्र रखा है, जो चंद बड़ी बड़ी हस्तियों के जिक्र के साथ गालिब का जिक्र रखा है, उससे भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि इकबाल की नज़र में गालिब की कितनी बड़ी अहमियत थी और गालिब कितना बड़ा शायर है। तो गालिब भी बहुत बड़ा शायर है, इकबाल भी बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन दोनों का रंग जुदा जुदा है। जैसे इकबाल बिल्कुल इस्लामिक थाट उनके पास ज़्यादा है और फ़लसफ़ा ज़्यादा है, गालिब के पास भी फ़लसफ़ा है, लेकिन गालिब का अंदाज़ बिल्कुल जुदागाना है। इसलिए
हम न गालिब को इकबाल से बड़ा बताना चाहेंगे न इकबाल को गालिब से बड़ा बताना चाहेंगे। और उसके लिए सनद के लिए गालिब ही का एक शेर काफ़ी है कि है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। शुक्रिया। टवरिंग पर्सनालिटीज हैं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अपने आप को बास मरतबा बहुत ही खाकसारा अंदाज में पेश करते थे। मसलन उस ज़माने में हम जमाना थे, ज़ौक़ जानते हैं आप, इब्राहिम ज़ौक़ साहब भी शायर थे, तो मुग़ल बादशाहों का ज़माना। गालिब फरमाते हैं, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसी तरीके से और भी अशार में एक दूसरे पे, दूसरा एक बड़ा मशहूर शहर याद है, हाँ वही, और वो भी है। अच्छा, आपने वो भी कहा, गोए मुश्किल ना गोए मुश्किल, यानी जब उनसे कहा गया कि आप ज़रा सहल जबान में बोलिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है। तो आजकल जो है जो शायरी हो रही है उसमें एक शायर साहब ने कहा है, वो हमारी दखनी जबान में है, शेर भी कहना कहते मैं भी मैं उससे समझाना भी कहते, मतलब भी समझाना कहते, तो वो ज़माने में भी जो है मसला था। अच्छा, इकबाल भी देखिए अपने किस कदर ऐसी सतह पे आते हैं, मेरी नवाए परीक्षा को शायरी न समझ, क्या है दूसरा मिसले नवाए परेशान की शायरी न समझ, इसमें बोलिए कि मैं हूँ, हाँ। कि मैं हूँ महरम राधे दुरून मैखाना, यानी अंदाजा लगाइए इन बड़े शोरा के मेयार को कि वो अपने को किस लेवल पे लाते हैं, कि आप उनको शायरी समझ के करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैं शायरी की उस मेरे नज़दीक अहमियत नहीं है, मगर उनके जो तखयलात हैं, ख्यालात हैं, फ़लसफ़े हैं, इसकी तरफ उनका ख्याल जाता है। और जिक्र आया गोयटे का, मैं समझता हूँ उसी के बारे में इकबाल का एक शेर है, वो जाहिर है मजजुबाना बातें कहता था, लच्छे है, लच्छे उस जमाने का फलसफी गुजरा है, अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में, इकबाल फरमाते हैं अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मुकाम किबरिया क्या है। तो ये मेयार के लोग थे, ऐसी शायरी थी। और आज जो है हमारे चंद लोग जो उम्र प्रसीदा हैं या उर्दू किसे दिलचस्पी रखते हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, वरना कई ऐसे नौजवान हैं जिनको आज इकबाल की शायरी से जो है किसी किस्म के इस्तेफादे का मौका नहीं है। मैं उन्हीं को ब्लेम नहीं करता, इस वजह से नहीं करता कि इसमें पेरेंट्स का भी, औलिया का भी, वालदेन का भी हिस्सा है ऐसी गफलत में, बल्कि जाहिर है कि हुकूमत की सपोर्ट भी नहीं होती कि आपको जो है इस किस्म के शोरा को या आपके सरमाए को शेर व अदब के सरमाए से इस्तेफादा कर सकें हमारे नौजवान। इस तरह से गुजारिश यही है कि कोशिश करिए कि जब भी आएँ आप इन महफिलों को आबाद रखने के लिए अपने साथ अपने हमरा तरगीब देकर नौजवानों को साथ लेते आए। मैं अगले प्रोग्राम इकबाल का एक शेर है, उसमें भी इंकिसार है कि खुश आ गई यानी पसंद आई, खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगर ना शेर मेरा क्या है शायरी क्या है। तो वो है, और अलबत्त गालिब ने जो है अपना फारसी में भी और उर्दू में भी अपनी तारीफ बरामद की है। चुनाचे बहादुर शाह जफर के एक बेटे की शादी थी तो उनकी बेगम ने इनसे फरमाया, श्री मलिका ने, कि आप सहरा लिखिए। तो सहरा तो गालिब का मिसाली सहरा है, बहुत ही उम्दा, लेकिन आखिरी में उन्होंने लिख दिया कि देखें कह दे कोई सहरे से बेहतर सहरा। तो ज़ौक़ उस्ताद थे जफर के, तो उनको बहुत तकलीफ थी, उन्होंने बताया बादशाह को कि देखिए ऐसा लिखे हैं कि देखें कह दे कोई सहरे से बढ़कर सहरा। तो बहादुर शाह जफर को भी रंज हुआ, उन्होंने कहा कि उस्ताद आप भी लिखिए। तो उन्होंने भी एक सहरा लिखा, उसमें यह था कि
जिनको नाज है अपने सहरा कहने पे, वो मेरा सहरा भी देखें, देख इस तरह से कहते हैं सुखनवर सहरा, तो आए आपसी नोकझोंक चलती, देख इस तरह से कहते हैं सुखनवर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا شفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.